हम लोग जब फॉर्म फिलअप करने जाते तब हम लोग को अभी देखने को मिलता है मेल फीमेल ऑप्शन के सिवा भी एक और एक ऑप्शन रहता है जिसे ट्रांसजेंडर लिखा रहता है या ट्रांसजेंडर कहते हैं। क्या आपको पता है ये ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है? ट्रांसजेंडर दो तरह के लोग हो सकते हैं, ट्रांसमैन और ट्रांस वोमेन। जो ट्रांसमैन होते वो लोग जब पैदा होते उस टाइम पे एक फीमेल बॉडी लेके पैदा होते और प्यूबर्टी की आते आते समझ जाते कि उनका जो सोल है एक गलत बॉडी पे आ गया है, यानी पैदा हुए फीमेल बॉडी पे और उनका जो आत्मा है एक मेल बॉडी की तरह काम करता है। इन लोगों को हम लोग ट्रांसमैन कहते हैं और इनका ऑपोजिट को हम लोग ट्रांस वोमेन कहते हैं। हम लोग आस पास फैमिली फ्रेंड्स स्कूल या कॉलेज में बहुत ज्यादा सुनते हैं कि होमोसेक्स या होमोसेक्सुअल। इसका मतलब होता है आप जिस जेंडर के हैं उसी जेंडर के इंसान को आप ज्यादा पसंद करते हैं या इमोशनली फिजिकली आप सेम जेंडर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर कोई लड़की को फील होता है कि वो किसी फीमेल बॉडी से अट्रैक्ट हो रही है इमोशनली और फिजिकली, तो वो फीमेलों के फीमेल से ही प्यार करना चाहती है, तो इसकी मतलब वो लेस्बियन है। और वही अगर कोई मेल ज्यादा कंफर्टेबल मेल से हो या इमोशनली और फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो तो उस इंसान को हम लोग गे बोल सकते हैं और गे और लेस्बियन को एक साथ में हम लोग होमोसेक्स बोल सकते हैं। वर्तमान इंडिया में ये चीज कम्प्लीटली लीगल है। 2018 में लॉ पास हुआ है इस चीज को लीगल बनाने के लिए। फिर आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब जो इंसान मेल और फीमेल दोनों से इमोशनली और फिजिकली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और दोनों से एक रोमांटिक रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो उन्हें हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। और इंटरसेक्स का मतलब होता है जिससे पैदा होते वक्त जेनेटली डॉक्टर समझ नहीं पाते कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसे कोई भी एक जेंडर पे आइडेंटिफाई कर देते हैं डॉक्टर। बाद में जाके प्यूबर्टी के टाइम वो इंसान खुद फील करता है कि वो एक्चुअल में मेल है कि फीमेल है। नॉर्मली इंटरसेक्स वाला पर्सन को जेनेटली मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन बोथ होता है। एंड नेक्स्ट क्वीर। ये लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं एक्चुअल में इन लोगों का जेंडर क्या है और ये लोग कौन सा जेंडर पे अट्रैक्ट होना चाहते हैं या अट्रैक्ट होते हैं। जनरली प्यूबर्टी की टाइम पे हम सभी को समझ में आ जाता है हम लोग कौन सा सेक्स पे अट्रैक्ट हो रहे हैं इमोशनली और फिजिकली, उसी पे डिपेंड करके हमारी पूरी जिंदगी चलता है। ये चीज बिल्कुल भी गलत है। आप किसी और जेंडर पे अट्रैक्ट हो रहे और किसी और के बातों पे आके आप उस इंसान को खुश करने के चलते आप अपना आइडेंटिटी होना चाहते हैं। ये चीज बिल्कुल भी इलीगल तो है नहीं, हाँ, पर कोई कोई इंसान है इस चीज को बहुत बुरी नजर से देखते हैं। हाँ, पर ये चीज कोई कोई सोच सकते है कि लेस्बियन या गे का ऑर्गन्स कुछ अलग होता है, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो लेस्बियन लड़की होती है उसके शरीर का जो भी ऑर्गन जो भी नॉर्मल लड़की का होता है, जो सिस्टम नॉर्मल लड़की का होता है वही सिस्टम एक लेस्बियन में होता है। और वही चीज जो एक मेल बॉडी में ऑर्गन या जो सिस्टम होता है वही की इंसान में भी होता है। बस फर्क इतना रहता है मेंटली ये लोग डिफरेंट होते हैं। कम्युनिटी बनाया गया है जिसे कहा जाता है LGBTIQ और जो नॉर्मल सेक्स यानी एक मेल एक फीमेल को अट्रैक्ट होता है या एक फीमेल मेल को अट्रैक्ट होता है इसे कहा जाता है हेटेरोसेक्स। इसे हम लोग आम भाषा में नॉर्मल सेक्स बोलते हैं।